हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन प्ले एंजॉय में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने अभी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट डाला था। सेकंड पार्ट के क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्राइमरी टीचर में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो देखते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 90, बाल्यावस्था में चिंतन प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, सीखने की सबसे सरलतम विधि अनुकरण है। क्वेश्चन 92, गेस्टाल्ट थ्योरी का प्रतिपादन मैक्स वर्दाइवर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 93, ग्रोथ ऑफ माइंड के लेखक हैं कोफ्का। क्वेश्चन नंबर 94, शरीर में किसी पदार्थ की कमी या अधिकता को प्रेरक कहते हैं। 95, क्वेश्चन नंबर 95, 50% बालकों में बुद्धिहीनता वंश परंपरा के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 96, प्राय सबसे अधिक व्यक्ति उभयमुखी प्रकार के पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, बालकों के बोध परीक्षण का विकास 1948 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98, टीवी अनुदेशन एक मार्गी संप्रेषण है। क्वेश्चन नंबर 99, परसोना शब्द का अर्थ होता है नकाब। क्वेश्चन नंबर 100, प्रगतिशील शिक्षा के श्रेय जॉन ड्यूवी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 102, गिजुभाई बदेखा ने 1920 में बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 103, नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हर साल NCERT द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, दूसरा शाही धब्बा परीक्षण होल्जमैन ने 1961 में किया था। क्वेश्चन नंबर 105, ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में तीन डोमेन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, KAS का विस्तार रूप नॉलेज एप्टीट्यूड स्किल। क्वेश्चन नंबर 107, अभिप्रेरणा की अनुचित विधि दंड है। क्वेश्चन 108, समसात्विक सिद्धांत थोर्नडाइक का है। क्वेश्चन नंबर 109, सामान्यकरण का सिद्धांत CH जूड का है। क्वेश्चन नंबर 110, विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत स्पेरिमैन का है। 111, व्यक्तिगत चेतन मन के अध्ययन हेतु व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 112, इलेक्ट्रो एवं ओडिपस ग्रंथियों का विकास बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 114, प्रक्षेपण रक्षा युक्ति का प्रयोग करके बालक गणित में कम अंक आने का दोष अध्यापक को देता है और बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, प्याजे के अनुसार बालक संज्ञानात्मक विकास के संवेदी परक चरण वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 116, मानसिक आयु की संकल्पना का प्रयोग सबसे पहले बीने साइमन मापनी सन 1998 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 117, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। क्वेश्चन 118, छात्रों के अर्जित ज्ञान की जाँच करने के लिए परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 119, सुकरात एवं थॉमस समस्या समाधान विधि के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन 120, सुनना स्वीकृतात्मक मौखिक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 121, त्वरित पढ़ने को स्कैनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए आगमन विधि सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन 123, खेल विधि विश्लेषण विधि समस्या समाधान विधि का श्रेय सूझ सिद्धांत को जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, JV रोटर ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 125, सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल बुक के लेखक हैं JB रोटर। क्वेश्चन नंबर 126, सामाजिक माहौल के महत्व पर सर्वप्रथम बाइगोस्टी ने बल दिया। क्वेश्चन नंबर 127, मारिया मॉन्टेसरी इटली की थी। क्वेश्चन नंबर 128, मॉन्टेसरी ने बालक की मानसिक शक्ति को शोषक मन कहा है। क्वेश्चन नंबर 129, बुद्धि का त्रिपाचे सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 130, USA में बाल अध्ययन आंदोलन चला इसके जन्मदाता हाल थे। क्वेश्चन नंबर 131, BDD का विस्तार रूप है बॉडी डिसमोर्फिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 132, शारीरिक रूप से अक्ष बच्चों को सामान्यतः डिसग्राफिया होता है। क्वेश्चन 133, 40 को 40 बोलना, 41 को 41 बोलना, बुआ को हुआ बोलना भ्रष्ट उच्चारण है। क्वेश्चन 134, टाइम 11 को 11 बोलना अस्पष्ट उच्चारण है। क्वेश्चन 135, रोटी को लोटी, ठंडा को ठंडा बोलना तुतलाना का उदाहरण है। क्वेश्चन 136, चाचा कब आएंगे हकलाना का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 137, न्यूरोटिक सिम्टम्स वाली फैमिली में बाक विकार होता है। क्वेश्चन 138, हकलाना एक अनुवांशिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 139, बीटेकर के अनुसार सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, अपने काल्पनिक विचारों इच्छाओं की अभिव्यक्ति करना स्वाली चिंतन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 141, जिस चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है अर्थार्थवादी चिंतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142,
अभी सारे चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना अभी सारे चिंतन कहलाता है। क्वेश्चन 144, सृजनात्मक चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, दिए गए तथ्यों में अपनी और कुछ जोड़ना और निष्कर्ष निकालना सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट, कलम का असाधारण उपयोग बताता है सृजनात्मक चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 147, शारीरिक गुणों के सिद्धांत का प्रतिपादन क्रैशमर तथा शेल्डन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 148, क्रैशमर जर्मन के देश के मनोचिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 149, कद छोटा, शरीर भारी एवं गोलाकार, सामाजिक होना, खाना पीना का मजा लेना, इस प्रकार के पिकनिक स्वभाव को क्रैशमर ने साइक्लॉयड की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 150, उत्साह विषाद ये लक्षण पिकनिक प्रकार के लोगों में अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, कद लंबा, दुबला, पतला, स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रैशमर का स्थैनिक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 152, क्रैशमर ने उपरोक्त स्वभाव को सियोजाड की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 153, स्थानिक प्रकार के लोग काल्पनिक दुनिया में अधिक घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, शरीर का विकसित होना अधिक सामाजिक क्रैशमर का एथलेटिक्स प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 155, डायप्लेस्टिक प्रकार के लोगों को तीनों प्रकार के व्यक्तियों के मिले जुले गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, सोमेटाइप सिद्धांत का प्रतिपादन सेल्डन ने किया था। क्वेश्चन 157, अंतर्देशी चिंतन में कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 158, पियाजे के अनुसार 4 से 7 साल के बालकों में पलटा भी गुण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 159, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के तीन प्रकार सामाजिक, अमूर्त, मूर्त बताए हैं। क्वेश्चन 160, अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। क्वेश्चन 161, कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ, कहानीकार में अमूर्त बुद्धि होती है। क्वेश्चन 162, मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। क्वेश्चन 163, हस्तकला, इंजीनियर, कारीगर में मूर्त बुद्धि होती है। क्वेश्चन 164, जब मानसिक आयु 33 आयु से कम होती है तो व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। क्वेश्चन नंबर 165, जब मानसिक आयु 33 आयु से अधिक होती है तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का समझा जाता है। क्वेश्चन 166, जब दोनों आयु MA MC = CA तो व्यक्ति सामान्य बुद्धि का माना जाता है। क्वेश्चन 167, स्टैनफोर्ड बीने स्केल से वयस्क की बुद्धि की जांच सही ढंग से नहीं होती है। क्वेश्चन 168, फिनलैंड ने विश्व के प्रमुख 8 देशों के लोगों पर अध्ययन किया। क्वेश्चन 169, WISC की फुल फॉर्म वैश्विक इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। क्वेश्चन 170, संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण का निर्माण कैटल ने किया था। क्वेश्चन 171, रेवेंस प्रोग्रेसिव मेट्रिस्टेज परीक्षण का निर्माण रेवेंस ने किया था। क्वेश्चन 172, सबसे पहले क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सेगुइन ने 1866 में किया। इसका प्रयोग मानसिक रूप से मंद बच्चों की बुद्धि मापने के लिए किया गया। क्वेश्चन 173, कोहब्लॉक परीक्षण में 16 ब्लॉक होते हैं। क्वेश्चन 174, पास अलोंग परीक्षण में 9 अलग अलग कार्ड पर बने होते हैं तथा इसमें 13 ब्लॉक होते हैं। क्वेश्चन 175, घन रचना परीक्षण गा द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन 176, शिकारी, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञान, पक्षी विज्ञान में प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। क्वेश्चन 177, बियॉन्ड IQ के लेखक स्टैनबर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 178, सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन के लेखक हैं मिल्लर एंड डोलार्ड। क्वेश्चन नंबर 179, ग्रोथ ऑफ माइंड के लेखक हैं कोफ्का। क्वेश्चन नंबर 180, भाषाई बुद्धि, तार्किक, गणितीय बुद्धि, स्थानिक तथा देशिक बुद्धि का मापन किया जाता है अथवा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 181, निगमनात्मक तर्कना डिडक्टिव मानव तथा पशु दोनों में पाई जाती है। क्वेश्चन 182, दिए गए तथ्य में नई बात जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना आगमनात्मक तर्कना कहलाता है। क्वेश्चन 183, द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक है गैगनी। क्वेश्चन नंबर 184, छात्र को सामग्री बोलकर ही लिखकर दे दी जाती है, छात्र उसको आत्मसात कर लेता है, इसे आत्मसात सीखना कहते हैं। क्वेश्चन 185, जब छात्रों को सामग्री में नया तथ्य जोड़कर सिखाया जाता है यह अर्थपूर्ण तथा रटकर भी हो सकता है, इसे अन्वेषण सीखना कहते हैं। क्वेश्चन 186, अभ्यास करने से उद्दीपन तथा अनुक्रिया संबंध मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 187, पुरस्कार से उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है परंतु दंड से कमजोर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 188, थॉर्नडाइक ने बताया कि पुरस्कार तथा दंड का प्रभाव बराबर तथा एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, बाल अभिबोधन परीक्षण अर्नेस्ट किसने किया था। क्वेश्चन नंबर
191 शारीरिक परिवर्तन का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 192 अन्वेषण का क्षेत्र सिद्धांत जेरोम एंड ब्रूनर, क्वेश्चन नंबर 193 प्राकृतिक दशा का सिद्धांत कर्ट लेविन, क्वेश्चन नंबर 194 अनुकरण का सिद्धांत क्लार्क एल हल, क्वेश्चन 195 सूचना प्रसाधन का सिद्धांत कार्ल रोजर्स, 196 संबंध प्रतिक्रिया पेवलोव, क्वेश्चन नंबर 197 मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, क्वेश्चन नंबर 198 नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग, क्वेश्चन नंबर 199 सामान्यकरण का सिद्धांत सी एच जुड, क्वेश्चन नंबर 200 अव्ययवाद का सिद्धांत कोहलर, क्वेश्चन नंबर 201 बुद्धि का बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत कैली ने दिया है, क्वेश्चन नंबर 202 संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है, क्वेश्चन नंबर 203 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया है, क्वेश्चन नंबर 204 समूह कारक सिद्धांत प्याजे ने दिया है, क्वेश्चन नंबर 205 व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया है, क्वेश्चन नंबर 206 क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत स्किनर ने दिया है, क्वेश्चन नंबर 207 वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है, क्वेश्चन 208 सैंपलिंग सिद्धांत सी एच जी एच थॉमसन ने दिया है, क्वेश्चन नंबर 209 हर्लिकल सिद्धांत पी ई वर्नन ने दिया है, क्वेश्चन 202 जन्म के प्रथम 6 माह तथा पूर्व प्रस्तुति काल में फिजिकल डेवलपमेंट काफी तेज होता है, क्वेश्चन नंबर 211 एक समान गति लगभग 12 साल तक चलती है, क्वेश्चन नंबर 212 15 से 16 साल विकास की गति एक बार फिर तीव्र हो जाती है, वैज्ञानिकों ने इसे तारुण्य विकास लहर कहा है, क्वेश्चन नंबर 213 बालकों में वोकल ऑर्गन्स विकसित हो जाती है जिसमें वह अक्षरों का सही से उच्चारण करता है, क्वेश्चन नंबर 214 विकास में परिवर्तन की दिशा हमेशा पीछे से आगे की ओर होती है, क्वेश्चन नंबर 215 शरीर के अंगों का आकार तथा संरचना में परिवर्तन परिमाणात्मक के उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 216 फिलोजेनेटिक वे क्रियाएं होते हैं जो सभी प्रजाति के बच्चों में पाई जाती हैं, एग्जाम्पल खिसकना चलना बैठना, क्वेश्चन नंबर 217 परिपक्वता का संबंध बालकों में अनुवांशिकता से है, अनुवांशिकता से प्राय अंत शक्तियों की खुली अभिव्यक्तियों से होता है, क्वेश्चन नंबर 216 प्रथम 5 साल का स्कूली अनुभव उपलब्धि प्रेरक के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन नंबर 219 बालक में विकास परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों के अंत्यक्रिया पर निर्भर करता है, क्वेश्चन नंबर 220 बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास 2 प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है, इन नियमों को एक साथ मिलाकर विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 221 बालकों के हाथ पैर तथा नाक किशोर अवस्था तक लगभग पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 222 रचनात्मक कल्पना बाल्यावस्था में तेजी से बढ़ती है, तो फ्रेंड्स ये थी एक वीडियो जो प्राइमरी टीचर वालों के लिए काफी हेल्पफुल है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और एक बार इसे क्रॉस चेक भी कर लें, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगती है, और अगर आप इसका कंटिन्यू पार्ट देखने चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई आवर चैनल मन पर एंजॉय।